बदलते क्लाइमेट की वजह से हमारी पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है और हमारा ग्लेशियर जो है वो तेज़ी से पिघल रहा है। तो इससे पहले कि दुनिया की सारी बर्फ़ मेल्ट हो जाए, चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं बर्फ़ के रेगिस्तान, हमारे हिंदुस्तान का एक खूबसूरत सा जगह मनाली। दूसरा ब्लॉग, आज कोई जगह कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाना है, बट जा रहा है सोलांग वैली और देखते हैं अगर खुला हुआ तो वहाँ पे जरूर विजिट करेंगे और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और तब तक बानो, बस बानो, चलेंगे। भैया जी, रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाम लग चुका है रास्ते में, आप देख सकते हैं, क्योंकि सोलांग वैली जो आज बहुत दिन के बाद खुला है इसलिए रास्ता पूरा का पूरा जाम है, लेकिन सामने से जो नज़ारा है बट भाड़ में जाए सोलांग वैली, बीच में इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह है यार, क्या बताएं आपको। मतलब ये जो रास्ते हैं एकदम सुनसान से, मजा आ रहा है ब्रो। एकदम पीछे मेरे चारों तरफ पहाड़ है और हम एकदम बर्फ के बीचों बीच में गिरे हुए हैं यार, एकदम मजा आ गया। नाइस व्यू। गाड़ी नहीं जा पाएगी भाई ऊपर, और यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर है सोलांग वैली, और रास्ता जो है देख सकते हैं ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है यार। लगे 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा यार। जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं तो ये हमारे लिए 5 किलोमीटर क्या ही बात है, और वैसे भी बिहारी हैं हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस 5 किलोमीटर चलना है पैदल, बने रहिए। Oh, oh, oh.
रास्ते में हम लोग रुके अभी मैगी खाने के लिए, और यहाँ पे कुछ सिस्टर्स मैगी बना रही है क्योंकि सुबह से हम लोग अभी कुछ नहीं खाया। ऊपर से ढूंढता हुआ नीचे आ रहा हूँ, भैया बहुत ज्यादा ठंड है। और एक आदमी है वो जिन्होंने पहाड़ों में चाय पी होती है और मैगी खाई होती है। अभी हम लोग चाय ले रहे हैं और ये चाय की कीमत 20 रुपए और होनी भी चाहिए क्योंकि इतने ऊपर आपको बर्फीले इलाके में चाय मिलेगी। तो चाय की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे भाई कैमरा उलट गया रे। आसमान उलट गया भाई। तो भैया बर्फ के बीचों बीच में हमने मैगी रखी है और ये मैगी है 50 रुपए की। सही है क्योंकि ये बर्फीले इलाके में गर्मा गर्म मैगी का मजा ही कुछ और है ब्रो। यहाँ से व्यू देखो आप और इस व्यू के साथ ये मैगी खाना वर्थ इट है ब्रो। मजा आ गया एकदम। अभी हम लोग को पहुँचने में थोड़ा सा टाइम है और हम लोग खा रहे हैं मैगी और वहाँ पे एक और कैमरा लगाया सरफराज ब्रो। और एक आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है। ओ तो भैया जी सुबह से हम लोग कुछ खाया नहीं है, यही मैगी है जो अभी लगभग 3-4 बज रहे हैं हम खा रहे हैं। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे भूख नहीं लगती है। इंजॉय करो यार, मनाली में हो गाइस। हेलो गाइस, मैगी खा लो, आ जाओ। Months of rain and chest pain. Heavy breathing, stay insane. Now grab my hand. Months of rain and chest pain. Tell me what's the plan. तो ये हाल है मनाली में आने के बाद। कैसा लगा, मुंह में गया क्या भाई? मुंह में जाए कोई दिक्कत नहीं, बट कपड़े के अंदर चला गया। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ठंडी का मजा ले लो और क्या। आराम से फॉल्स थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है और हमारा जो ट्रैकिंग है वो भी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बचा है। और भैया नज़ारे ज्यादा थक गए हैं। एक लड़के से पूछा मैंने, उन्होंने बोला बस 10 से 15 मिनट और यार पहाड़ियां देख सकते हो ऊपर, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पहाड़ी और स्नोफॉल तो हो ही रहा है। कुछ देर वेट करो, बस आ ही गए हम लोग। या अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए सोलांग वैली बहुत ही मशक्कत के बाद। और ये नज़ारे भाई सोलांग वैली के, आते ही स्नोफॉल इतना तेज हो गया कि भाई इसी स्नोफॉल में ड्रोन उड़ाना तो एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि ड्रोन भीग सकता है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो खराब हो सकती है। बट ये नज़ारे भाई सोलांग वैली के, A shelter, a whole life.
a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? No! Grab my hand. Everything is gray inside this narrow maze. हमारा फोन और सरफराज का फोन तो हो चुका है ऑफ. हाँ, ये हमारे फैसल भैया का फोन. ये हमारे तीसरे टांग है. से ब्लॉगिंग हो रहा है. आप यहाँ पे आके अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसमें जीप लाइन है, हाइकिंग है, ट्रेकिंग है, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं. पीछे लोग, सारे लोग कर रहे हैं. और भाई स्नोफॉल मजा आ गया यार, एकदम व्हाइट व्हाइट स्नोफॉल. ये मेरा कपड़ा देख सकते हैं, पूरा का पूरा गीला हो गया स्नोफॉल. और मौसम था नहीं स्नोफॉल होने का, बट हो सकता है ये पहाड़ जो है ऊंचाई पर, इसलिए स्नोफॉल हो रहा है. और नज़ारे तो भाई गजब के नज़ारे हैं. इंजॉय करो म्यूजिक के साथ ही आगे नज़ारे. बूम.